जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल आपका एयरफोर्स अग्निवीर का रिजल्ट आ चुका है और फेज टू के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं फेज टू यानी कि जीडी की। तो इसमें आज का हमारा जो पहला वीडियो रहने वाला है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। और इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको जीडी की जो प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन। वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपके मन में मतलब भ्रम नहीं रहेगा एक तरीके से कि मैं ऑफलाइन करूं ऑनलाइन करूं, नहीं तो यही चलता रहेगा कि मुझे ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए ऑफलाइन करनी चाहिए। तो ये है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो। और यही सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको क्यों करना है उसका रीजन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको यूट्यूब पे काफी सेल्फ इंट्रोडक्शन के वीडियोज मिल जाएंगे, उनमें से अब यही यूनिक क्यों है उसका रीजन देख लो। उसका रीजन ये है कि आप वहां पे जब जीडी के लिए बैठोगे तो पर कैंडिडेट आपको 1 मिनट वहां पे दिया जाता है, 1 मिनट दिया जाता है, ठीक है? अब आप लोग बोलोगे 1 मिनट से ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है। नहीं, ये पूरा जरूरी है, फिक्स है। वहां पे जो बैठते हैं ऑफिसर्स वगैरह, उनके पास स्टॉप वॉच होती है, वो 1 मिनट एक्यूरेट नाप के देते हैं। तो उसमें से आपको क्या करना होता है, उसमें आपको सेल्फ इंट्रो भी देना होता है, सेल्फ इंट्रो भी देना होता है, प्लस टॉपिक का इंट्रो भी देना होता है, ठीक है? टॉपिक का इंट्रो भी देना होता है। अब ये दोनों आपको मैनेज करने होते हैं कि आप इनमें से कितना कितना टाइम देते हो। अब कोई बच्चा है जो इसको तो 15 सेकंड ही दे देता है, ठीक है? मान लो कि इसको 15 सेकंड दे दिया तो फिर वो 45 सेकंड का इसमें क्या बोलेगा, क्योंकि इसमें फिर इतनी लाइन नहीं बना पाएगा। और अगर मान लो सेल्फ इंट्रोडक्शन को 45 सेकंड दे दिए तो इसमें फिर 15 ही बचेगा, इसमें एक लाइन भी नहीं बोली जाएगी मुश्किल से। तो इसके लिए क्या करना है, इसको इक्वल बराबर रखना है, मैनेज करके रखना है कि कम से कम इसको 30 सेकंड के अराउंड दिया जाए और इसको भी फिर टॉपिक इंट्रो के लिए भी क्या बच जाए, 30 सेकंड ही यहाँ पे बच जाए। जो टॉपिक इंट्रो है हमारा उसके लिए भी कितने बच जाए, यहाँ पे 30 सेकंड बच जाए, ठीक है? ये भी 30 सेकंड, ये भी 30 सेकंड। अब 5-4 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? तो जो मैंने ये सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाया है वो आपका 25 से 30 सेकंड के अराउंड जाएगा, 25 से 30 सेकंड के बीच में आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है? तो इसलिए ये यूनिक बन जाता है, क्योंकि वहां पे सीओज के पास वॉच होती है लेकिन हमारे पास कोई स्टॉप वॉच नहीं होती। हमें पता नहीं चलता कि हमने 30 सेकंड का बोल दिया क्या बोल दिया। तो यहाँ से पहले ही ऐसी प्रिपरेशन करके जाओगे, वही रट के जाओगे जो 30 सेकंड में हो जाता है तो आपको काम आएगा, ठीक है? क्योंकि अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो फिर वहां पे काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये मैं जो सेल्फ इंट्रोडक्शन बना रहा हूँ ये किसी यूट्यूबर से लेके या ऐसे नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा खुद का बोला हुआ है, ठीक है? मेरा खुद का बोला हुआ है। जो एनरोलमेंट जो कैंसिल हुई थी उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, ये 5SC पर मेरा जो था फेज टू था और वहां से मैं सेलेक्ट हुआ था 5SC जोधपुर, जिसको सबसे कठिन माना जाता है, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि आपको टेलीग्राम पे प्रैक्टिस ना करवा के यूट्यूब पे वीडियोस डाले जाएं। उसका रीजन ये है कि टेलीग्राम पे जो मेहनत की जाती है वो आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है? अगर दिखाई देती तो हमारा इतना घटिया रिस्पांस नहीं होता यूट्यूब पे, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको टेलीग्राम पे प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब पे रिस्पॉन्स अच्छा देना पड़ेगा। लेकिन मेरा इस बार टेलीग्राम पे शायद ही मैं प्रैक्टिस करवाऊँ, क्योंकि टेलीग्राम पे हम करवाते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा में डेली देता था बच्चों को, लेकिन वो यूट्यूब पे फिर कोई रिस्पांस नहीं देते थे क्योंकि एक ही जगह टाइम दिया जाता है, या तो टेलीग्राम पे दो या यूट्यूब पे दो। अब टेलीग्राम पे उनको प्रैक्टिस करवाएंगे तो यूट्यूब पे वीडियोज नहीं डाले जाएंगे, और यूट्यूब पे नहीं डाले जाएंगे तो फिर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसलिए मैं यूट्यूब पे ही इस बार करवाऊंगा, पूरा आपको टॉपिक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है या फिर बाद में देखेंगे, ठीक है? इस बार थोड़ा टाइम भी कम है इसलिए मैं यूट्यूब पे आपको बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, लेकिन फिर भी इसमें आप ऐड हो जाना, आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है? ये इस तरीके से, सबसे पहले देखो आपको पूरा सुन के जाना है, ये नहीं कि इतना दिख गया बस इतना मैं लिख लूं और आगे स्किप करके आगे लिख लूं, ठीक है? कहां कहां कमियां हैं, क्या ऐड करना है, वो चीजें सारी समझ में आपको आ जाएगी। सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है जय हिंद से, जय हिंद फ्रेंड्स, ठीक है? जय हिंद से स्टार्ट करना है। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, ये वर्ड्स आपको वहां पे यूज नहीं करने हैं, ठीक है? क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि वहां पे आपके पास वॉच नहीं होती है, आपको पता नहीं होता है क्या टाइम हो रहा है, मॉर्निंग हो रहा है, इवनिंग हो रहा है, आफ्टरनून हो रहा है, नून हो रहा है, ठीक है? तो उससे बेटर है आप जय हिंद यूज करो। और आप सेना में जा रहे हो तो ये वर्ड आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंस रखना है अपने आप में, तो यहाँ पे जय हिंद यूज करना है एंड आगे फ्रेंड्स यूज करना है, ठीक है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या हम ये यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड सर, फ्रेंड्स एंड सर? नहीं, आप ये यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्रुप होता है ना 15 से 20 बच्चों का,
उसमें ही आपको जीडी देना होता है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनको जीडी में इंक्लूड नहीं करना है, वो तो केवल आपको ऑब्जर्व करेंगे एंड इंस्ट्रक्शंस देंगे। आपका जो जीडी है वो कहाँ पे चल रहा है, वो केवल इन बच्चों के बीच चल रहा है, ठीक है। इन बच्चों के साथ ही आपको आई कॉन्टेक्ट रखना है, इनकी तरफ तो आपको देखना ही नहीं है। जब ये स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन देंगे ना बोल के, उस टाइम देखना है, बाकी अदरवाइज में नहीं देखना है। उसके बाद आपको बोलना है माई नेम इज। अब यहाँ पे क्या बच्चे क्या करते हैं, कोई बच्चे बोलते हैं माई सेल्फ और कोई कुछ ही यूज करता है, तो आपको बस ये यूज करना है माई नेम इज, और आपके बाद यहाँ से आपका जो भी नेम है वो लिख देना है। जैसे राहुल नेम है तो यहाँ से आपको राहुल लिख देना है, माई नेम इज राहुल। उसके बाद आई एम फ्रॉम, अब आई हेल्प फ्रॉम ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है, सिंपली ये यूज करना है आई एम फ्रॉम। और यहाँ पे आपको सिटी का नेम लिखना है, विलेज का नहीं लिखना है। जैसे आप जयपुर से हो तो यहाँ पे जयपुर लिख दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट लिख दो, जैसे यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। आई एम फ्रॉम जयपुर इन राजस्थान, इन भी है बीच में। उसके बाद है आपको माय फादर्स नेम इज, यहाँ पे आपको श्री लगाना है, श्री, ठीक है। चाहो तो मिस्टर भी लगा सकते हो, बट श्री थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये मत बोलना कि ये हिंदी वर्ड है, हिंदी वर्ड है लेकिन इंग्लिश में जो स्पीच वगैरह होती है उनमें हम श्री यूज कर सकते हैं। अगर आपने रिपब्लिक डे वगैरह परेड में देखा होगा तो श्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से बोलते हैं, बाकी ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको जो बेटर लगे वो लगा लेना, मिस्टर लगा लेना, यहाँ पे मिसेज लगा लेना, बस कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं यहाँ पे मिसेज कर दो, यहाँ पे मिस्टर कर दो, ठीक है। उसके बाद आपके फादर का जो नेम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन बताना है, ही इज, कि वो क्या करते हैं। फार्मर है तो फार्मर लिख दो, डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख दो, ठीक है। और कोई ऑफिसर है तो ऑफिसर लिख दो, किसी डिफेंस में सोल्जर है तो वो यहाँ पे बोलना आपको, ठीक है, बताना है उनको बोल के। उसके बाद माई मदर्स नेम इज, यहाँ पे श्रीमती या मिसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और ही और शी का स्पेशली ध्यान रखना, इनको इंटरचेंज मत कर देना, ठीक है। सी इज, यहाँ पे आपको आपकी मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो लिखना है। अगर आपकी मदर जो सिंपल ग्रैनी है, मतलब घर का ही काम करती है, तो वहां पे आपको हाउस वाइफ का यूज नहीं करना है, ठीक है। हाउस वाइफ का यूज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है सेल्फ इंट्रोडक्शन वाली में, लेकिन यहाँ पे आपको हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करना है, होम मेकर। और अगर अदर कोई ऑक्यूपेशन है तो वो लिख देना है। अब कुछ जो YouTube पे मैंने देखे थे तो उन्होंने बताया हुआ था कि ये चीजें आपको नहीं बतानी है, आपके पेरेंट्स का नाम नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है, कि आपने PIQ फॉर्म में लिख दिया, ये कोई जरूरी थोड़ी है। PIQ फॉर्म में तो हमने सारी डिटेल लिखी है, हमारा नाम भी लिखा है, हम कहाँ से हैं वो भी लिखा है, 10th 12th के परसेंट भी लिखे हैं, फिर तो वो भी नहीं बताने हैं। तो ये हमारे से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, हमारे से रिलेटेड है तो हमें ये बतानी चाहिए, ठीक। इसलिए आप इसमें बता देना। और ये मैंने पूरा का पूरा बोला भी था। नेक्स्ट है, अब यहाँ से आपको जो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका वो स्टार्ट करना है। तो यहाँ से आपको बोलना है हाई आई हैव पास्ड 10th क्लास, और फिर यहाँ पे आपके 10th में जितने भी परसेंटेज थे वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। मार्क्स एंड 12th क्लास विद, यहाँ पे 12th के जो परसेंटेज थे वो ऐड करने हैं। एंड फ्रॉम, आपने कौन से बोर्ड से किया, ठीक है। अगर 10th और 12th का अलग अलग बोर्ड रहा है तो आप यहाँ पे 10th का अलग लिख देना, मार्क्स विद ये बोर्ड, और उसके बाद एंड लगा के 12th वाला अलग बोल देना। और एक ही बोर्ड है तो लास्ट में यहाँ पे ऐड कर देना, बोर्ड मतलब जैसे CBSE बोर्ड होता है उस तरीके से। अगर CBSE है तो डायरेक्ट आप CBSE बोल सकते हो, लेकिन अदर बोर्ड है जैसे राजस्थान बोर्ड है तो उसका सिंपल में नहीं बोलना है, RBSE इस तरीके से नहीं बोलना है, ठीक है, पूरा बोलना है राजस्थान बोर्ड, ठीक है। हरियाणा बोर्ड है तो हरियाणा पूरा नाम लेके यहाँ पे बोलना है। दूसरी चीज, अगर आपके 10th के परसेंटेज कम है, 10th के परसेंटेज कम है तो ये लाइन यहाँ से हटा देना, 10th वाली आपको नहीं बोलनी है, यहाँ से 10th के परसेंटेज आपको नहीं बोलना है, अगर कम है तो, और ज्यादा है तो बोलने हैं, और 12th वाले तो बोलने ही है चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, ठीक है। अगर कम है तब की बात है कि 10th वाले नहीं बोलने हैं, अदरवाइज ठीक है तो सही है, 70 से ऊपर है तो बोल सकते हो, कम है तो अवॉइड कर देना। उसके बाद आपका आता है नाउ आई एम परसुइंग, कि अभी आप क्या कर रहे हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो 12th के बाद तो ये लाइन हटा सकते हो। अगर आप कोई कॉलेज वगैरह बीए बीएससी वगैरह कुछ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बोलना है नाउ आई एम परसुइंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हो तो यह जगह बीएससी फर्स्ट ईयर यहाँ पे ऐड कर देना है। नाउ आई एम परसुइंग बीएससी फर्स्ट ईयर फ्रॉम जो भी यूनिवर्सिटी आपकी, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है, बोलनी है, ठीक है। उसके बाद आता है माई हॉबी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे हॉबीज बतानी है, कि माई हॉबी, ठीक है, यह है यहाँ से माई हॉबी इज। अगर आपकी एक हॉबी है तब तो हॉबी इज लगाना है, ये भी ध्यान रखना है। अगर एक हॉबी है तो हॉबी इज, और अगर एक से ज्यादा हॉबी है तो हॉबीज आर लगाना है, ठीक है। अब हॉबी में बहुत ज्यादा
ध्यान रखना है कि ये नहीं कि आपने गूगल किया कि बढ़िया बढ़िया हॉबीज देख ली और वो यहाँ पे ऐसे लिख दी, ऐसे नहीं लिखनी है। दूसरी बात, जो हॉबी आप PIQ फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है, PIQ फॉर्म में हॉबी का ऑप्शन होता है, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, PIQ फॉर्म में जो हॉबी लिख रहे हो वही यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे अलग लिख रहे हो, यहाँ पे अलग लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, गूगल से देख के कोई हॉबी नहीं लिखनी है, जो भी आप हॉबी बता रहे हो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। मान लो आपने बोल दिया कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट का आपको नॉलेज होना चाहिए, वो कुछ भी पूछ ले क्रिकेट से रिलेटेड तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी हॉबी बताना जिसका आपको एटलीस्ट नॉलेज हो, वहाँ पे ज्यादा शो ऑफ करने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा है, यहाँ पे आप अपने से रिलेटेड कुछ भी ऐड कर सकते हो, I am also, ठीक है, I am also गुड टीम मैन बोल सकते हो, क्रेडलेस पर्सन बोल सकते हो, और भी अदर जो भी चीजें आपके दिमाग में है वो यहाँ पे बोल सकते हो। दूसरी बात है, अब लास्ट ये इंपॉर्टेंट है कि आप एयरफोर्स में क्यों जाना चाहते हो, तो ये है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट इज अ रिस्पेक्टफुल एंड प्राउडफुल, या प्राइडफुल जॉब, ठीक है। प्राउडफुल ग्रामेटिकली एरर है, प्राइडफुल सही है, लेकिन यहाँ पे आप प्राउडफुल बोल सकते हो। आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि यह रिस्पेक्टफुल और प्राउडफुल जॉब है। ये तो हो गया सबसे सिंपलेस्ट आंसर, कि इसके बाद अगला आपको कुछ पूछेगा ही नहीं। दूसरा है ये कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, सो एयरफोर्स कैन फुलफिल माई नीड्स, सो एयरफोर्स जो है वो मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये लाइन आप बोल सकते हो, ठीक है, एंड यहाँ पे सो की जगह एंड कर देना, ठीक है, बाकी सारा सही है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन एयरफोर्स, यहाँ पे इंडियन लगा देना, इंडियन एयरफोर्स, बिकॉज आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड एयरफोर्स कैन फुलफिल माई नीड्स, ये आप बोल सकते हो। अब कई सेंटर्स पे क्या होता है कि जो ऑफिसर्स बैठते हैं वो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ना उसको जानने में इच्छुक नहीं होते हैं, यानी कि वो आपको बोल देंगे कि आप ये वाला पार्ट पूरा ही हटा दो, उसके आगे से स्टार्ट करो। वो आपको साफ साफ बोल देंगे कि आपके सिबलिंग्स वगैरह सारे सारा पार्ट हटा दो, बस आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आगे जो हॉबीज वगैरह हैं वहाँ से स्टार्ट करो। तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी दूसरा ऑप्शन है। अब आप लोग सोचोगे कि इतना हटा देंगे तो हमारा ये पार्ट कम हो जाएगा और हमारा इंट्रो तो फिर 15 सेकेंड में पूरा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि जो हॉबीज है ना वो दो चार एक्स्ट्रा ऐड कर लेना और उनका थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेना, और ये जो है आई एम ऑल्सो गुड टीम मैन ये वगैरह यहाँ पे यूज कर देना। और अगर आप अपनी हॉबीज बताते हैं और उस हॉबी के अंदर आपने कोई नेशनल या स्टेट वगैरह जहाँ पे भी खेला है कोई सर्टिफिकेट वगैरह जीता है वो ऐड करना है, और अगर आप NCC वगैरह में रहे हो तो वो भी आप इसमें लाइन ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है ना खेल वगैरह का तो उसको जरूर वहाँ पे बोलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करना है, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन बच्चों को मिलता ही नहीं है यूट्यूब पे, 5-5, 6-6 मिनट के मिलेंगे या फिर 30 सेकंड से काफ़ी ऊपर मिलेंगे, तो उसमें फिर वो बोला जाएगा तो टॉपिक इंट्रो के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, इसके बाद आपको शायद आज या कल टॉपिक मिलने शुरू हो जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।